अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं बैंगन का भरता। उसके लिए मैंने लिए हैं 1.5 किलो बैंगन, विच आर 1.5 kg ब्रिंजल्स। उसको मैं आग पे इस तरह से अपने चूल्हे पे मैं रख रही हूँ कि वो रोस्ट हो रहे हैं होते रहें तब तक जब तक वो अंदर से अच्छी तरह गल ना जाए, पक ना जाए, टेंडर ना हो जाए। ठीक है जी, ये अच्छी तरीके से हमने इसको कर लिया है और ये अब हमने प्लेट में अपने सब ब्रिंजल्स निकाल लिए। कुछ ब्रिंजल्स हो रहे थे मैंने आपको ये दिखाने के लिए, ये 5 ब्रिंजल्स निकाल लिए जो कि प्रॉपर हो चुके हैं। इनको गलाने के बाद हम अच्छी तरह से इनको पील आउट कर लेंगे, जितने ब्लैक ब्लैक छिलके हम निकाल लेंगे। लेकिन आप छोटे छोटे ब्लैक छिलकों को फिर आने से नहीं रोक सकते क्योंकि ऑब्वियसली वो साथ चिपके हुए होते हैं बिल्कुल। ठीक है जी, ये हमने इस तरह से हर ब्रिंजल की आपने स्किन उतार ली। देन उसके बाद हमने इसके डेंटल्स को हमने छुरी से काट लिया। कुछ लोग डालते हैं इन डेंटल्स को बट मैं इनको निकाल देती हूँ। इनको फुल डेंटल लेस करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मैशअप कर लेना है बिल्कुल एक गूदे की फॉर्म में। देन उसके बाद हमने लिए हैं 4 अदद प्याज, उसको मैंने ब्राउन करने के लिए डाला है 3 टेबल स्पून ऑयल, और साथ मैंने 4 टमाटोज और 3 ग्रीन चिलीज ली हैं और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। मैं प्याज को मैंने अच्छे तरीके से ब्राउन कर लिया है, ठीक है, नॉट टू मच, ताकि थोड़ा थोड़ा खड़ा खड़ा रहे और वो भी मज़े का टेस्ट आता है, ठीक है। और मैंने इसमें पहले ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया था वीडियो ऑन करने से पहले, और उसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ टोमेटो, 4 टोमेटोज और 3 चिलीज जो मैंने काटी थी मोटी मोटी वो। डोंट वरी, ये सब आपस में ईजिली मिक्सअप हो जाएंगे। जब अच्छी तरह से ये मिक्सअप हो जाए आपस में, जिस तरह आप अभी देख रहे हैं, तो इसमें मैंने 1 टीस्पून हल्दी डाली है, ठीक है जी। 2 टीस्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ बिकॉज हम बहुत कम मिर्चें यूज़ करते हैं और बहुत कम खाते हैं, सो ये सेहत के लिए भी अच्छा है। और 2 टीस्पून जो है वो इसमें नमक जा रहा है, विच इज़ टोटली फाइन एंड लाइक नॉर्मल। ये जो क्वांटिटी है ये बिल्कुल नॉर्मल खानों की है, जो आपको ना ज़्यादा नमक का लगेगा और ना ही ज़्यादा एक्सट्रीम वाली मिर्चें लगने वाली हैं। और 1 टीस्पून गरम मसाला, ठीक है जी, ये आप क्लोजली देख लें, ये गरम मसाला मैंने डाला है ताकि इसका अच्छा मज़े का टेस्ट आ जाए। उसके बाद हम ये मसाला भूनने के बाद जब सब मिक्सअप मैशअप हो जाए, इसके अंदर हम अपने मैश किए हुए ब्रिंजल्स डाल देंगे और इनको हमने मिक्सअप कर लिया। ये देखें जो कितने मज़े से आपस में, उफ मुझ तो अभी मुँह में पानी आ रहा है, इतने मज़े से मिक्सअप हो गए सब कुछ आपस में। इसको हम 10 मिनट्स के लिए दम पर रख देंगे बहुत स्लो आंच करके। 10 मिनट्स के बाद हमने उठाया और टरा, ये देखें कितने मज़े के हमारे पास ये ब्रिंजल का भरता हमारे पास रेडी हो गया। और इतने मज़े के सब कुछ चीज़ें, सब चीज़ें आपस में मिक्सअप हो गई हैं, जो आपको पहले खड़ा खड़ा नज़र आ रहा था सब कुछ मिक्सअप हो चुका है। ये देखें मैं प्लेट में डाल रही हूँ। चलें जी, इट वॉज़ रियली सिंपल। ये एंड पे हमारी ये रेसिपी रेडी होगी और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।